बेचारे आए देखने, उसने पानी से बाहर निकाल चुका था, लेकिन देख के तो पहचान हो। हम कंप्लेन वगैरह भी करवाने जा रहे थे, तो कंप्लेन करवाने गए भी थे, आज शनिवार से गायब था तो आज। उत्तरी दिल्ली के वजीराबाद थाना इलाके के बुराड़ी प्रधान एनक्लेव के सामने यमुना खादर के अंदर पानी में मिला 12 वर्षीय नाबालिग बच्चे का शव। शव से इलाके में फैली सनसनी, इस बात की सूचना वजीराबाद थाना पुलिस को मिली। मौके पर वजीराबाद थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पूरे मामले की तफ्तीश शुरू की। बुराड़ी के प्रधान एनक्लेव के सामने यमुना खादर में एक नाबालिग बच्चे का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। इस बात की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। वजीराबाद थाना पुलिस की घटना स्थल पर पहुंची और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक मृतक की पहचान 12 साल नरेंद्र के रूप में हुई है। नरेंद्र प्रधान एनक्लेव ए ब्लॉक का रहने वाला है। पीड़ित परिजनों ने बताया कि नरेंद्र 12 तारीख से ही लापता था, जिसको वह जगह जगह ढूंढ रहे थे। इस बात की सूचना उन्होंने बुराड़ी थाना पुलिस को भी दी थी। वहीं इससे पहले पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश शुरू करती, उससे पहले ही नाबालिग बच्चे का शव यमुना खादर में एक पानी के तालाब के बीच में मिला। इसके बाद पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल इस नाबालिग बच्चे की हत्या कर यहां डंप किया गया या फिर आत्महत्या है, तमाम पहलुओं से स्थानीय पुलिस जांच कर रही है। कॉल आई थी कोई जा रहा था पुस्ते से, तो उसने कॉल करके बताया ना, पुस्ते पे जाके देखो एक बारी बॉडी लाश पड़ी है पानी के अंदर। तो जाके देखा, तो देखा हाइट ज्यादा लग रही थी, लड़का था छोटा, तो मैंने देख के चला गया। फिर बाद में सोचने में आई, मैं कहा यार उसका भाई भी लापता है, एक बार कॉल करके पूछ देता हूँ, मैं कहा वहां पे जाके देख ले। तो वे बेचारे आए देखने, इतने पानी से बाहर निकाल चुका था लड़का, देख के तो पहचान होगी, कपड़ों से पहचान करी। हाँ जी, हम वैसे बोलते थे मोदी, ठीक है, पर 12 साल का लड़का बताया गया, 12-13 साल के बीच में। शनिवार से सर थोड़ा मिसिंग था, तो हमारे को पता नहीं था। हम कंप्लेन वगैरह भी करवाने जा रहे थे, तो कंप्लेन करवाने गए भी थे मिसिंग की, तो आज शनिवार से गायब था, तो आज तो हम तो गए हुए थे, तो हमारे को तो फोन आया था, कॉल आई थी हमारे पास उसके भाई की, तो उसने हमारे को फोन करके बुलाया था। हाँ जी, ये हमारे दोस्त का ही छोटा भाई है।